Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Cleared. And today is a one short lecture on mole concept. So आज हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक पर फोकस करेंगे, दैट इज मोल कंसेप्ट. क्योंकि मुझे एक बच्चे की मैसेज आया था दैट ही वॉन्टेड अ वीडियो ऑन मोल कंसेप्ट. सो हियर इज द वीडियो फॉर यू. एंड सिमिलरली इफ यू वॉन्ट वीडियो ऑन एनी टॉपिक यू कैन मैसेज मी थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म. ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन. सो let us go on with it, but before going there, I would like you all to please like, share and subscribe to the channel. So padhte hain mole concept ke bare mein. To mole concept hai kya? What is mole concept? So mole concept ek bahut hi zyada easy concept hai, but kafi baar ye bachcho ko confuse karta hai. So mole concept karne se pehle hame ek do cheeze karni padegi, that is atomic mass aur gram atomic mass. Ye cheez hame karni padegi. So pehle hum wo discuss kar lete hain. सो एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक मास? अब हमें ये चीज तो पता है कि एक एटम होता है बहुत ही ज्यादा छोटा, ठीक है? एक एटम होता है बहुत ही ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा, और उसका मास भी बहुत ज्यादा कम होता है ना. जैसे अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करें, उसका मास कुछ समथिंग इंटू 10^-27 के जी होता है, 27 या 31, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो इतना कम मास. अब अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तब तो हमारी कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएंगी, और हमें केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस को बैलेंस वगैरह करने के लिए ये सारी हमें इसका मास और वैलेंसी वगैरह चाहिए होती हैं. सो अब हम क्या करें? व्हाट शुड वी डू नाउ? सो हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि हमने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया कि जो मास 1/12 ऑफ अ कार्बन C12 एटम का होता है, जो एक कार्बन C12 होता है, जो कार्बन का आइसोटोप होता है C12. ओके, सो C विद द मास नंबर 12, जिसका मास नंबर 12 होता है, उसका जो 1/12 होगा, जितना ये मास होगा, इसको हमने कह दिया ये होगा हमारा 1 यूनिट. हमने कह दिया कि 1/12 ऑफ कार्बन, जो कार्बन का एटम होता है उसका जो 1/12 मास होगा उसे हम 1 यूनिट मान लेंगे. और हमने कार्बन को ही क्यों लिया और किसी को नहीं? बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे. एक्चुअली हमने पहले कार्बन को नहीं लिया था, इससे पहले हमने हाइड्रोजन को लिया था कार्बन की जगह, उसके बाद हमने ऑक्सीजन को लिया, फिर बाद में हम कार्बन पर आए. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी. वी वर एनकाउंटरिंग प्रॉब्लम्स कि आंसर डेसिमल के अंदर आ रहे हैं, फ्रैक्शन के अंदर आ रहे हैं. सो कार्बन के साथ हमारे आंसर्स ऑलमोस्ट होल नंबर्स में आ रहे थे, सो हमने इसी को मान लिया. सो मास ऑफ एन एटम इज डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है? जो एक मास होता है वो डिफिकल्ट होता है. सो ये जो एटॉमिक मास होता है ना, पहली बात, ये एटॉमिक मास नहीं होता, इट इज रिलेटिव एटॉमिक. ये एटॉमिक मास नहीं होता, ये होता है रिलेटिव एटॉमिक मास. मतलब हम एक्चुअल में थोड़ी ना बता रहे हैं एटम का मास. एक्चुअल में तो एटम का मास केजी में आना चाहिए. हम यहाँ पर मास बता रहे हैं C12 के 1/12 के रिलेशन में, ठीक है? हम इस 1 यूनिट के रिलेशन में एक एटम का मास बता रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. सो अब इसको, अब जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम इसे 1 यूनिट मानते हैं, तो इस यूनिट को हम बोलते हैं AMU. ये जो यूनिट है इसको हम AMU बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं हम इस चीज को. सो 1/12 मास ऑफ C12 इज इक्वल टू 1 AMU, या हम इसे U भी बोल देते हैं, यूनिफाइड यूनिट, ठीक है? सो AMU या U कुछ भी बोल दो, U का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट. सो ये होता है हमारा एटॉमिक मास, ठीक है? अब एटॉमिक मास हमें समझ में आ गया. अब इसी तरह से हमारा एक मॉलिक्यूलर मास भी होता है कि हमने मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट कर लिया. ओके, सो वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास. नाउ अब चीज़ आती है ग्राम एटॉमिक मास की, कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज अ ग्राम एटॉमिक मास? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है?
ग्राम एटॉमिक मास होता है कि हमने जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, सो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो होता है 1 AMU। ठीक है, हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 1 AMU। ना अगर हम बस ग्राम एटॉमिक मास को ना समझने के लिए आप सिंपल सी चीज़ करो, ग्राम एटॉमिक मास को हम एक और चीज़ कहते हैं मोलर मास। पहली बात, ग्राम एटॉमिक मास को हम एक और चीज़ कहते हैं मोलर मास। हम ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी कहते हैं क्योंकि 1 मोल का अगर हम हाइड्रोजन ले और इसका 1 मोल ले, उसका जो मास होगा वो होता है ग्राम एटॉमिक मास। सो सिंपल सा फंडा आप ये समझो, ठीक है, पूरा आपको इसकी कोई डेफिनेशन या फंडा पकड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी एक चीज़ याद रखो, अगर आपसे पूछा जाए ना किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास लो, पीछे AMU की जगह G लगा लो कि 1 ग्राम। ठीक है, बस हमने क्या करा, रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स की टर्म में बता दिया। ठीक है, सो इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास और द मोलर मास। ठीक है, सो अब हमने ऐसा क्यों करा, यहाँ से AMU हटाकर ग्राम क्यों लगा दिया, ये हुआ, ये सारा काम जो हुआ ये हुआ मोल की वजह से। ये जो चीज़ है ना मोल, ये सब काम इसकी वजह से हुआ है। सो अब हम पढ़ते हैं, अब हम मोल के बारे में ही पढ़ते हैं। ठीक है, सो अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, मोल। सो यहाँ पर ये AMU और जी और ये ग्राम एटॉमिक मास का काम आना था हमारा थोड़ा सा, इसीलिए मैंने उसके बारे में डिस्कस कर लिया, वैसे उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इस टॉपिक से। सो लेट अस बिगिन। सो अब बात आती है मोल की, मोल क्या होता है। अब हमने जो टॉपिक उठाया उसका नाम है मोल कंसेप्ट। तो मोल होता क्या है यार, मोल होता क्या है। मोल हमने अब फिजिक्स के अंदर ये पढ़ा है दैट देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हमने, उसमें से हमने 7th नंबर पर मोल को लिस्ट आउट करा था। ठीक है, अगर आपने, आपको नहीं पता तो मेरी वीडियो देखो, पहले मैंने जो मोशन चैप्टर में वीडियो बताई है, बनाई है, उसके अंदर हमने बताया था। ठीक है, सो हमने मोल को 7th नंबर पर लिस्ट आउट करा था और एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और मैंने वहां पर भी बताया था कि मोल होता क्या है। सो यहाँ पर भी समझ लेते हैं क्योंकि पूरा टॉपिक ही मोल के बारे में। सो लेट मी फर्स्ट इरेज इट, ये ग्रीन कलर थोड़ा जिद्दी है, ज़्यादा जल्दी से जाता नहीं है। सो मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। ठीक है, कि एक सब्सटेंस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है वो होता है मोल। ठीक है, कि एक अमाउंट का कितना सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसकी यूनिट होती है मोल, जिसे हम MOL लिखते हैं। ऐसा यूनिट है इसकी मोल, जिसे हम MOL लिखते हैं। सो अब हमें ये तो पता चल गया कि इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। ठीक है, सो अब हम जो ये मोल होता है ना, इसको तीन 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 फॉर्म्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सो पहली फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर, दूसरी फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ मास, तीसरी फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो अभी हमें वैसे तो सिर्फ नंबर और मास के बारे में पढ़ना है, फिर भी हम थोड़ा सा वॉल्यूम का ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि एक दो क्वेश्चन आ सकता है, पर वॉल्यूम अभी हम बड़े सिंपल लेवल पर समझेंगे। ठीक है, बड़े ही सिंपल लेवल पर। सो अब हम मोल को इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, पहले मोल को हम पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। सो मोल, ब्रैकेट में नंबर्स लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हम नंबर्स की फॉर्म कर रहे हैं, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। सो अब नंबर्स के अंदर जब हम मोल की बात करते हैं, सो 1 मोल इज दैट अमाउंट, 1 मोल नंबर्स की फॉर्म में उतना अमाउंट होता है जितना, इज दैट अमाउंट विच इज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। ठीक है, सो मोल क्या होता है,
कि उतना अमाउंट जितना C12 जो हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है, जो हमारा कार्बन एलिमेंट होता है, या वैसे यहाँ पर 12 ना भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि अभी हमने आइसोटोप्स के बारे में नहीं पढ़ा है। सो जितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर, 12 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारा 1 मोल बनाते हैं। जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन एलिमेंट में होता है, उतना एक ऑब्जेक्ट के 1 मोल में होता है। और हमने ये एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है, हमने लैब्स में एक्सपेरिमेंट करे और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करी, सो हमने पाया दैट 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻², 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। ठीक है, मतलब इतने एटम्स, 6.022 × 10⁻²³ इतने एटम्स अगर एक एलिमेंट के मिल जाए तो वो उस एलिमेंट का 1 मोल बनाएंगे। ये है सीधी सी बात। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, क्योंकि यूज़ भी नहीं होती। ठीक है, सीधी चीज़ ये यूज़ होती है, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻²³ एटम्स। ठीक है, एटम्स, या अगर हम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स। ओके, सो मतलब जब मैं बात कर रहा था ग्राम एटॉमिक मास की, जब मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहा था तो मैं कितने एटम्स का मास ले रहा था, इतने एटम्स का, इतने सारे एटम्स का जब हम मास कंबाइन करते हैं तो वो होता है उसका 1 ग्राम, तो वो होता है उसका ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, और ये जो नंबर होता है ये फाइंड आउट करा था साइंटिस्ट एवोगैड्रो ने, तो इसको हमने उसी के नाम पे रख दिया, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, सो इसे हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, उन्होंने फाइंड आउट करा था, सो हमने उन्हीं के नाम पे रख दिया एवोगैड्रो नंबर। इसको हम एन सबस्क्रिप्ट ए या एन नॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये है हमारा एवोगैड्रो नंबर। अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, मतलब अब हमें पता है हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है, 1 AMU होता है इतना। अगर मैं कहूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मास बताओ, ठीक है, मतलब मोलर मास बताओ मुझे, 1 मोल का मास मतलब मोलर मास, मोलर मास हम आसानी से कह सकते हैं आएगा 1 ग्राम। कैसे, क्योंकि मैंने ग्राम एटॉमिक मास का सिंपल फंडा बताया था, AMU की जगह जी लगा दो। तो मतलब ये 1 ग्राम क्या है, ये 1 ग्राम क्या है, अभी हम कह रहे हैं 1 AMU है, अब हम कह रहे हैं 1 ग्राम है। सो 1 AMU, जो 1 AMU है वो तो है एक पार्टिकल का मास, 1 AMU है हाइड्रोजन के एक पार्टिकल का मास, बट 1 ग्राम उसके 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स का मास है। इतने, जब इतने सारे पार्टिकल्स का मास हम लेंगे तो वो आएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, सो अब इस बात के हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहीं पे हम उसका मास 1 AMU बोल रहे हैं, कहीं पे 1 ग्राम बोल रहे हैं। 1 AMU है एक पार्टिकल का मास, 1 ग्राम है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये क्या होता है, 1 मोल होता है, ये है ना 6.022 × 10⁻²³ 1 मोल होता है। सो 1 मोल हाइड्रोजन का मास होगा 1 ग्राम। ठीक है, अब हमें इतनी बात समझ में आ गई है। इसी तरीके से हम अगर ऑक्सीजन का पूछूं मैं, उसका हमें पता है रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 16 AMU, सो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा, या 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। सीधे सिंपल बात है, AMU की जगह जी लगा दो। ओके, इसी तरह से हम मॉलिक्यूल्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ H2O का फाइंड आउट करो, उसका हमें पता है रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 18 AMU, सो उसका मोलर मोलर मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात थी, हमें समझ में आ गई। ओके, सो अब हमें समझ में तो आ गया, अब हमने थ्योरी तो पढ़ ली, अब थोड़ा क्वेश्चंस के फॉर्म में भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमने, हमसे मेनली एग्जाम में तो क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे ना, हमसे थ्योरी तो कोई पूछेगा नहीं।
सो क्वेश्चंस की फॉर्म में देख लेते हैं हमारे पास किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड। ओके सो वेट अ मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर दूं मैं। यस सो अब सुनो, सो अब हमें क्वेश्चन आएगा, जैसे अगर अब हमें थोड़े इसके अंदर तो बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, नंबर के ऊपर हमारे पास आएंगे बेसिक से क्वेश्चन, बट जब हम इसके साथ मास भी कर लेंगे ना तब हमारे पास थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं दोनों के कॉम्बिनेशन में। सो पहले हम सिर्फ नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पर कैसे जा सकते हैं। हमसे बोला गया है कि वी आर गिवन द मास ऑफ, ठीक है, सो लेट मी से, उन्होंने बोला फाइंड आउट द मास ऑफ 3.011 इंटू 10^23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि हमें हाइड्रोजन के 3.011 इंटू 10^23 पार्टिकल्स का मास फाइंड आउट करो, तो आप कैसे करोगे? अब इसके हमारे दो आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर, हमें पता है एक पार्टिकल का मास होता है 1 mu, तो 3.011 × 10^23 amu, बट एग्जामिनर इस क्वेश्चन को, इस आंसर को कर देगा गलत। क्यों? क्योंकि हमने मोल पढ़ा है, तो हम इसका आंसर ग्राम्स के फॉर्म में दे सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में दिया होगा कि इन फॉर्म्स ऑफ मोल्स एंड फॉर्म ऑफ ग्राम, पर अब हमें पता है कि 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स का मास होता है, मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1 ग्राम। 1 ग्राम होता है हाइड्रोजन का मोलर मास। मोलर मास, अगर मोलर मास 1 ग्राम है, इसका मतलब इतने पार्टिकल्स का मास 1 ग्राम है, बिल्कुल है। अब इससे हम एक पार्टिकल का मास ग्राम्स की फॉर्म में निकाल सकते हैं। एक पार्टिकल का मास आएगा 1/NA, ठीक है, मैं अभी ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एवोगैड्रो नंबर की शॉर्ट फॉर्म लिख दी NA। अब हमसे पूछा है इतने का, सो 3.011 × 10^23 का कितना होगा? 1/NA इंटू ये, अब 3.011 × 10^23, यहाँ पर NA की जगह मैं वैल्यू लिख देता हूँ क्योंकि अब यहाँ पर होगी कैंसिलेशन, 6.022 × 10^23। अब 10^23 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2, इसका मतलब 0.5 ग्राम, और ये आंसर है हमारा, सही आंसर है। आंसर ये भी सही है बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है। सो हमारा आंसर आ गया 0.5 ग्राम। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास, ठीक है, कि हमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फाइंड आउट करना है मास, या हमें कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास दिया हुआ है तो हमें इसके 1 मोल का मास फाइंड आउट करके दो। लाइक कॉपर लेते हैं, कॉपर जितना मास, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आपको करने में मजा आएगा, लेकिन अगर पता है तो आपको मजा नहीं आएगा। सो कॉपर का नहीं लेते हैं क्योंकि उसका क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए मुझे भी बताना चाहिए। सो लेट अस टेक ऑक्सीजन, ठीक है। अब मान लो आपको ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता नहीं है, ना आपको उसका रिलेटिव एटॉमिक मास पता है, ना आपको मोलर मास पता है। आपको दिया हुआ है कि लेट अस टेक, हाँ, यू आर गिवन दैट 12.044 × 10^23 पार्टिकल्स। ओके, आपको दिया हुआ है कि इतने पार्टिकल्स का मास एक एलिमेंट के, लेट अस नॉट टेक ऑक्सीजन। अगर आपको दिया हुआ है कि जो इतने पार्टिकल्स हैं, हमें बता रखा है कि इतने पार्टिकल्स हैं हमारे पास 10.044 × 10^23, इतने पार्टिकल्स का मास है एक एलिमेंट के, एलिमेंट अननोन है हमारा, ठीक है, एक्स एलिमेंट है वो, अभी हमें पता नहीं है, अभी वो हमने फाइंड आउट करना है। इतने एलिमेंट्स का मास हमारा है, लेट अस टेक 64 ग्राम। तो अब हमें कहेंगे कि ये एलिमेंट फाइंड आउट करो, एलिमेंट कौन सा है ये। सो थ्री सिंपल सी बात है, अब हम क्या करेंगे, हमें
सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है हमने, कोई बड़े फॉर्मूले नहीं लगाने, सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। इक्वल टू 64, वन पार्टिकल का निकाल लो 64 बाय 12.044 इंटू 10^23। अब अगर हम ये चीज करेंगे तो हमें अब ग्राम्स की फॉर्म में तो किसी भी एलिमेंट का वो पता नहीं है मास, हमें तो या तो मोल की फॉर्म में मास पता है एलिमेंट्स का या तो रिलेटिव एटॉमिक मास के, और यहाँ पर एएमयू की फॉर्म में तो हमारा आंसर आएगा नहीं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मोल की फॉर्म में निकालेंगे। सो अगर वन मोल यानी 6.022 इंटू 10^23 वो कितना आ जाएगा, 64 बाय ये 12.044 इंटू 10^23 इंटू 6.022 इंटू 10^23। 10^10^ कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 2, इसका मतलब 32 grams। मतलब अब हमें क्या पता चल गया कि एक एलिमेंट है उसका मोलर मास 32 ग्राम है, और ये कौन से एलिमेंट का मास 32 ग्राम होता है मोलर मास, सल्फर का, सल्फर का होता है ना, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, सो उसका मोलर मास 32 ग्राम होगा। सो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया कौन सा एटम था वो, कौन सा एलिमेंट था, ठीक है। सो हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं यार, या तो आप सीधा लगा दो ये यूनिटरी मेथड, या तो हमने इसी यूनिटरी मेथड से एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कितने मोल होगा, ठीक है। सो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर। सो अगर हमें एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं और हमें पूछा है कि कितने मोल होगा वो, लेट अस से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं एक क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमें एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं, सो हमें पूछा है कि ये कितना मोल होगा, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने मोल होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला इसका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए, एवोगैड्रोस नंबर, इतने से हमारा आ जाएगा मोल, ये कितने मोल है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन ए इज इक्वल टू मोल। सो अब हमने कर दिया मोल, अब हमारा कंप्लीट हो चुका है मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। सो हमने 20 मिनट्स लगा दिए हैं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आया टॉपिक। सो ये लेक्चर आई बिलीव 1 घंटे तक का जा सकता है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ेंगे, मोल इन टर्म्स ऑफ मास। सो मोल इन टर्म्स ऑफ मास, सो मोल इन टर्म्स ऑफ मास क्या कहता है, अब हमें ये इतना तो समझ में आ गया कि जो कुछ भी हो यार मोल का, ठीक है, एटम्स के अंदर जो कुछ भी हो, मोल से हमने बात करनी हो या हमने मास से बात करनी हो, हम तो कॉन्टैक्ट लगाएंगे कार्बन के थ्रू, ठीक है। सो हमने किसी भी चीज़ को समझना हम करेंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड को कार्बन के थ्रू, ठीक है। सो अब क्या कहा है इसने, इसके अंदर क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट का मास चाहिए, ठीक है, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट का मोल चाहिए मास के फॉर्म में, सो हमें रिलेट करना होगा किससे, 12 ग्राम ऑफ सी से, सिंपल बात है। मतलब वन मोल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज विच हैज मास इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर एक ऑब्जेक्ट का 12 ग्राम ऑफ कार्बन के बराबर का मास होगा तो वो वन मोल होगा, तो वो वन मोल होगा, ओके। अगर उतना सब्सटेंस होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट में उतना सब्सटेंस होगा जितना 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास तो वो ऑब्जेक्ट वन मोल होगा, ठीक है। अब हमें इतना तो पता चल गया है पिछले उससे कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन में होता है 6.022 इंटू 10^23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो बात वहीं पर एवोगैड्रो नंबर और कार्बन के साथ रह जाती है मोल की बात,
एवोगैड्रो नंबर और कार्बन के साथ ही पूरा ये मोल कंसेप्ट का खेल है। सो ये बात तो हो गई, मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर इतने पार्टिकल्स हैं तो वो मोल है। अब एक ऑब्जेक्ट का मोलर मास क्या होगा, हमने डिस्कस करा है, जो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा amu, काट कर g लिख देना, बस मिल गया आपको उसका मोलर मास, मास इन टर्म्स ऑफ मोल। अब अगर हमसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन के, हमारे पास हाइड्रोजन का हमें 1 ग्राम दिया हुआ है, वी हैव 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसके अंदर कितने मोल्स होंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज हाउ मेनी मोल्स। तो इसको कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फंडा है, ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, जितना हमें मास गिवन है उसको डिवाइड कर लो मोलर मास से, आ जाएगा हमारा मोल, ठीक है, सिंपल सा वो है। अब यहां पर हमें गिवन मास है 1 ग्राम, हाइड्रोजन का एटॉमिक मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम, कितना आ गया 1 मोल है, ये हो गया सिंपल, हो गया ना हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सो अगर हमें मास के टर्म्स में करना है तो सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाओ, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इतनी बात तो हमें आ गई समझ में। सो अब इसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्योंकि मोल कंसेप्ट के अंदर यार बात वही है, हमें सिर्फ एवोगैड्रो नंबर और ये कार्बन के 12 ग्राम के साथ खेलना है, हमें बस इस चीज़ के साथ खेलना है और किसी चीज़ के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है इस चीज़ में। सो अब इसके ऊपर बेस्ड यार क्वेश्चंस बहुत सही आते हैं, अब जब मास और नंबर इकट्ठे कंबाइन होता है ना उसके ऊपर क्वेश्चन बड़े सही आते हैं, और उसका हम एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं यार। पहले क्वेश्चन बताता हूँ उसके बाद फार्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा। वो सो क्वेश्चन हमें इस तरीके का आ सकता है इसके अंदर कि हमें एक ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स गिवन है, लाइक हमें कहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके हमारे पास 12.044 × 10⁻²³ पार्टिकल्स हैं, हमें बताओ इतने पार्टिकल्स का मास क्या होगा, इतने पार्टिकल्स का मोलर मास क्या होगा। अब हमें आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को एक तरीका यार हम यूनिटरी मेथड से करें, यूनिटरी मेथड के थ्रू करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इसका। यूनिटरी मेथड से हम कैसे करेंगे कि 12.044 ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ का मास सो इस चीज़ को करने का एक तरीका है कि पहले हम मोल कैलकुलेट कर लें, कि हमें पता है कि अगर 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स होंगे तो हमारा होगा 1 मोल, अगर हम हमारे पास 1 पार्टिकल होगा तो वो 1/6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स होंगे। अब हमारे पास है 12.044 × 10⁻²³ तो वो हो जाएगा हमारा 2 मोल्स, आ गया, कैलकुलेट कर लो। अब 2 मोल्स, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होता है 1 ग्राम, 2 मोल्स का कितना हो जाएगा 2 ग्राम, आ गया। अब ये तो तरीका था यूनिटरी मेथड का, और अगर आप इसको क्वेश्चन पेपर में लिखने लगोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, लाइक अभी तो मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख दिया है बट क्वेश्चन पेपर में हम ऐसे नहीं कर सकते और ये टाइम भी बहुत कंज्यूम करेगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, फॉर्मूला क्या ड्राइव करेंगे, अब हमें है n को मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, n से मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n ए है हमारा एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल टू मोल, ये हमें मोल बताता है कितने मोल है। अब मोल हमें इस चीज़ से भी पता चलते हैं, गिवन मास को मैं कैपिटल M से शो करता हूँ अपॉन मोलर मास को मैं इसको स्मॉल M से शो कर देते हैं, स्मॉल M है हमारा गिवन मास
और मोलर मास को हम कैपिटल एम से शो कर देते हैं. ओके सो नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, है ना. सो एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू एम अपॉन एम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, एन एम इज इक्वल टू एम एन ए, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, गिवन मास इंटू एवोगैड्रो नंबर. ये हो गई हमारी इक्वेशन डिराइव, ठीक है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर गिवन मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, हो गई इक्वेशन डिराइव. और इससे हम आंसर बड़ी जल्दी निकाल सकते. कैसे? अब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास थे 12.044 × 10^20, सॉरी मोलर मास हमें पता है फाइंड करना है, इज इक्वल टू एम हमें फाइंड आउट करना है, हमें मास फाइंड आउट करना है ना कि इसका कितना होगा, गिवन मास हमें फाइंड आउट करना है, इनटू एवोगैड्रो नंबर एन ए, एन ए को उधर लेकर जाओ डिवाइड करो 12.044 ब्ला 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 अपॉन 1 इनटू 1 अपॉन 6.0222, ये कैंसिल होकर यहाँ पर 2 आ जाएगा. सिंपल सा दो स्टेप्स के आंसर में हमारा आ गया 2 ग्राम्स, इस फॉर्मूला को करके अप्लाई, ठीक है. सो अगर हमारे पास कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें हमें नंबर गिवन हो और मास फाइंड आउट करना है, मास गिवन हो और नंबर फाइंड आउट करना है, सिंपल सा यार ये वाला फॉर्मूला लगाओ, मौज करो. ओके सो सीधी सिंपल बात में हमने मोल कंसेप्ट को अभी समझ लिया. अब हमने कर लिया मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड मोल इन टर्म्स ऑफ मास, हमने इन दोनों के टर्म्स में अपने मोल को समझ लिया है. नाउ अब हम कर लेते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी, ठीक है. मोल को वॉल्यूम के टर्म्स में भी समझ लेते हैं, क्या बुराई है उसमें. मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी अभी हम कर लेते हैं. सो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास. अब मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के अंदर क्या होता है यार, हमारे पास दो कंडीशन आ जाती है, ठीक है. जब हम वॉल्यूम में बात करते हैं सो एक कंडीशन होती है हमारी एनटीपी, एक कंडीशन होती है हमारी एसटीपी. एनटीपी और एसटीपी, एनटीपी होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी होता है हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. सो अब हम क्या करेंगे, अभी हम बात एसटीपी पे करते हैं यार, एनटीपी बात हम नहीं करते क्योंकि एनटीपी भी, एनटीपी पर हमारे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे. ओके क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन बनी है, वैसे तो एसटीपी भी नहीं गिवन, पर फिर भी एक दो क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बैक साइड में, एक क्वेश्चन है सो क्या पता आ जाए. सो कर लेते हैं एसटीपी पर कर लेते हैं. सो वैसे एनटीपी पर भी बता ही दूंगा. सो एसटीपी क्या होता है, एसटीपी एक ऐसी कंडीशन होती है जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, मतलब टेम्परेचर होना चाहिए 0°C, प्रेशर होना चाहिए 1 atm, 1 atmosphere. 1 atmosphere हमें पता है ना सबको, 10^5 पास्कल. नहीं पता तो यार 8th की फिजिक्स ढंग से करा करो. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर के अंदर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर होना चाहिए रूम टेम्परेचर 22 °C और प्रेशर वही हमारा 1 atm, 1 atmosphere. सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हमारा 1 mole होता है किसी भी एलिमेंट का 22.4 liter के बराबर, ठीक है. सो अगर कोई एलिमेंट 22.4 liter है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में हो गैसेस फॉर्म में हो, अगर कोई एलिमेंट हमारे पास 22.4 liter है तो वो 1 mole है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 23 liter होना चाहिए, ठीक है. अगर 23 liter ऑफ अ सब्सटेंस है तो वो 1 mole है उस सब्सटेंस का. सिंपल सी बात है वॉल्यूम की. अब वॉल्यूम में कैसे फाइंड आउट करना है यार, सिंपल वही मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन, अगर एसटीपी पर बात कर रहे हैं एसटीपी पर 22.4, एनटीपी पर बात कर रहे हैं तो 23. हो गया, हो गया, बस इतनी सी बात थी हमारी वॉल्यूम की. सो हमारा ये मोल कंसेप्ट काफी अच्छे से हमने क्लियर करा है. डेप्थ में जाकर हमने मोल, हमने पहले एटॉमिक मास समझा, देन ग्राम एटॉमिक मास, देन वी अंडरस्टूड अबाउट व्हाट वी से मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, मोल इन टर्म्स ऑफ मास एंड मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम.
ओके सो अब हम इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देते हैं, फ्लो चार्ट नहीं मतलब एक माइंड मैप सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट मैप जिसे हम कह सकते हैं, ताकि हमें चीज़ें अच्छे से याद रहें। सो एक माइंड मैप बनाने की कोशिश करते हैं हम, जितना हमने अभी तक समझा है उसके बेसिस पर लेट अस ड्रॉ अ माइंड मैप। ओके सो एक माइंड मैप ड्रॉ करते हैं। ओके सो आई बिलीव आप लोगों को अब मोल कंसेप्ट काफ़ी इजी लग रहा होगा, क्योंकि हमने इसको काफ़ी अच्छे से कर लिया है ना, हमने काफ़ी डेप्थ में जाकर करा है और काफ़ी कम टाइम में करा है एज आई बिलीव। एंड इट वुड बी अगर आपको अभी आपके पेपर्स भी आ रहे हैं तो आपके लिए शायद ये काफ़ी अच्छा रहेगा। सो इसका एक कंसेप्ट मैप बना लेते हैं, ताकि हमें एक झटके में रिवाइज हो जाए सब। सो यहाँ पर हम लिखते हैं n, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है पार्टिकल्स लिख देते हैं, पार्टिकल्स वुड बी रेदर बेटर, n होता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर हम लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, n नंबर ऑफ मोल्स, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नाउ जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है जब हम इसको डिवाइड बाय na करते हैं, ठीक है नाउ मैं यहां पर लिख देता हूं na एवोगैड्रो नंबर, सॉरी यहां पर नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि यहां पर भी हमारा एक चीज आएगी, यहाँ पर भी हमारा एक ब्लॉक आएगा, सो लेट मी इरेज इट, ठीक है हमें स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे जब हम इसे डिवाइड बाय एन ए करते हैं, ठीक है जब हम इसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, तो हमें मिल जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स। एन ए को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर शायद कुछ नहीं आएगा, n is equal to number avogadro number, sorry, n is equal to avogadro number that is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23. So जब हम number of particles को divide by n करते हैं तो हमें मिल जाते हैं number of moles, और जब हम number of moles को multiply by n करते हैं, multiply by n तो हमें मिल जाते हैं number of particles। हो गया, सो हमने मोल इन नंबर इन टर्म्स ऑफ नंबर हमने कर लिया इतनी सी चीज़ में, ठीक है दो ब्लॉक्स के अंदर हमने ये कर लिया। सेम चीज़ हम मास और वॉल्यूम के साथ कर लेंगे, यहाँ पर हम मास ले लेते हैं ग्राम्स में। ओके सो जब हम मास को मल्टीप्लाई करते हैं, बाय कैपिटल एम, और यहां पर हमारा कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। सो जब हम गिवन मास को मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट नंबर ऑफ मोल्स, नहीं जस्ट अ सेकंड, सॉरी जब हम डिवाइड करते हैं, जब हम गिवन मास को डिवाइड बाय मोलर मास करते हैं देन वी गेट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है जब हम मास को दिस इज दिस साइड, ठीक है ये इस साइड है थोड़ा सा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए जब हम गिवन मास को डिवाइड m से करते हैं तो हमें मिलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, और जब हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई बाय m करते हैं, मोलर मास से जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है गिवन मास। हो गया, तो अब हमने नंबर का कर लिया, मास का कर लिया, क्या रह गया हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम ऊपर लिख लेते हैं, हमने साइड में वो लिख लिया वॉल्यूम लीटर्स में, ठीक है एसआई यूनिट यूज करेंगे वॉल्यूम इन लीटर्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसटीपी की बात कर रहे हैं, एनटीपी को अभी हम कंसिडरेशन में नहीं लेंगे क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है। जब हम नंबर ऑफ मोल्स को
मल्टीप्लाई बाय 22.4 करते हैं तो हमें हमारी वॉल्यूम मिल जाती है। हाँ मिल जाती है। और जब हम वॉल्यूम को डिवाइड बाय 22.4 करते हैं तो हमें हमारे नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। ओके सो हमने इतने से इस एक बोर्ड पर हमने अपना ये पूरा लेक्चर समराइज कर लिया। ओके सो हमने इतने से बोर्ड पर अपना पूरा लेक्चर समराइज कर लिया है। जब हम मोल से मास वॉल्यूम या नंबर पर जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना है, और जब हम इन तीनों से मोल पर जाते हैं तो हमें डिवाइड करना है। सो दिस इज आर कंसेप्ट मैप, और इसी के साथ हमारा ये ख़त्म हो जाता है। ओके सो इसी के साथ वी आर डन विद आर मोल कंसेप्ट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। ओके सो सिमिलरली अगर इसी तरह से आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर या किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर पर आपको वीडियोस चाहिए या वीडियो चाहिए तो यू कैन मैसेज मी ऑन ऑल द सोशल प्लेटफॉर्म्स। ऑल द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड यू कैन गिव योर फीडबैक इन द डिस्क्रिप्शन इन द कॉमेंट्स। वी आर ऑलवेज ओपन टू फीडबैक। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा।